हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्वाति, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद हरियाणा। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। लेट स्टार्ट टॉक अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ बोथ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज रिस्की फॉर द फर्म। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शन इन द टूडे मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो। सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना किसी भी फर्म का मेन एम नहीं है। दे वॉन्ट टू सेटिस्फाइड देयर कंज्यूमर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हर फर्म चाहती है कि उनका जो कस्टमर है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में सर्व किया जाए, उन्हें अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करती है बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर। इसीलिए हर मार्केटियर दे कीप्स ऑन आई ऑन चेंजिंग एनवायरमेंट सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द न्यू नीड्स ऑफ कंज्यूमर एंड सो दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। हर मार्केटियर क्या करता है, मार्केट को लगातार कॉन्टीन्यूसली एनालाइज करता है ताकि वो कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट दे सके। कस्टमर की चेंजिंग नीड, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को वो आइडेंटिफाई कर सके, अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट को वो शेप दे सके। लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न। A new product is a product that opens up in an entirely new market, replaces an existing product, or significantly broadens the market for an existing product. तो इस तरह से पैटर्न ने न्यू प्रोडक्ट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। द सेकेंड वन इज प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया है लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रिप्लेस किया गया है न्यू प्रोडक्ट से। द थर्ड वन इज द प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग, प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन उस प्रोडक्ट को अब नए मार्केट एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस तरह से पैटर्न ने न्यू प्रोडक्ट की डेफिनेशन को बेसिकली थ्री पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। अब इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर W.J. Stanton। W.J. Stanton ने भी प्रोडक्ट को, न्यू प्रोडक्ट को थ्री कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट वन इज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट विच इज़ रियली इनोवेटिव एंड ट्रूली यूनिक। ये इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स करके कंपनी इंट्रोड्यूस करती है, कंपनी इसको प्रमोट करती है, कंपनी इसको मार्केट में उतारती है और इन प्रोडक्ट का कोई भी सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, वैक्यूम क्लीनर, इन्वर्टर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओरिजिनल प्रोडक्ट विच आर रियली इनोवेटिव। द सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या किया जाता है, ऑलरेडी ओल्ड वर्जन इज अवेलेबल इन द मार्केट, ओल्ड वर्जन मार्केट में अवेलेबल है लेकिन ओल्ड वर्जन में कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स को इंट्रोड्यूस करके न्यू वर्जन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एड फ्लेवर इन होर्लिक्स बॉर्विटा, एड द फ्लेवर इन द नेस्कैफे कॉफ़ी, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। द थर्ड वन इज इमिटेटिंग प्रोडक्ट विच आर न्यू टू अ कंपनी बट नॉट न्यू टू द मार्केट। ये इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में सेल किए जा रहे हैं बट बाय द अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी इस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। अभी तक पर्टिकुलर कंपनी जिस जो इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है वो लेकिन फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रही है बट दैट प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी सोल्ड बाय द अनदर प्रोड्यूसर इन द मार्केट। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियोकॉन कंपनी मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट ओनली टेलीविज़न, देन दे स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन। व्हेन द वीडियोकॉन कंपनी स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इज़ न्यू प्रोडक्ट फॉर द वीडियोकॉन कंपनी बट इट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट बाय द अदर कंपनीज, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द इमिटेटिव प्रोडक्ट विच आर new to the company but not new to the market. Now we will discuss about the new product development process. Before the introduction of the product into the market,
It goes through various stages of the development. That various stages, किसी भी product को market में जब introduce किया जाता है, product को develop किया जाता है, तो various stages से वह product होकर गुजरता है. The first one is generation of new product idea. The second one is screening of idea. Third one is concept development and testing. Fourth one is market strategy development. The fifth one is business analysis. Sixth one is product development. Seventh one is test marketing. And the last one is commercialization. ये process है. इन process से, इन various stages से क्या होता है? एक नए product की development होती है. We will discuss these stages one by one. Now, we will start the very first step of the new product development process. The first step is generation of new product ideas. तो सबसे पहले जब भी product की beginning की जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? एक idea, एक creative idea create किया जाता है, creative idea लाया जाता है company में. It means fusion of a perceived need with the recognition of technical opportunity. कि जो कस्टमर की करंट नीड्स हैं, कस्टमर की करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल अपॉर्चुनिटी की हेल्प से उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ये होता है हमारा जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया. अब इसमें क्या है, जैसे जैसे कंपनी या लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं कंपनी के पास, इट मीन्स कि जितना लार्ज नंबर होगा आइडियाज़ का, उसके कंपनी की श्योरिटी हो जाती है कि कंपनी गुड वन प्रोडक्ट को क्या कर सकती है, मार्केट में लॉन्च कर सकती है. इसमें नंबर ऑफ आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है ताकि एक बेटर प्रोडक्ट कस्टमर को प्रोवाइड कराया जा सके. अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा है कि न्यू प्रोडक्ट आइडिया को सबसे पहले हमें डेवलप करना है. तो उसके बेसिकली टू सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज. तो पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच आर इन द कंपनी, जो कंपनी में ही क्रिएट किए जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल सोर्सेज. इंटरनल कोर्स जो सोर्सेज हैं उसमें हमारे पास बेसिकली फोर सोर्सेज हैं. द फर्स्ट वन इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेकेंड वन इज़ मैन्युफैक्चरिंग पीपल, थर्ड वन इज़ सेल्स पीपल एंड द फोर्थ वन इज़ टॉप मैनेजमेंट. ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो कंपनी में इंटरनली क्रिएट किए जाते हैं. अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में लगातार एनालिसिस किया जाता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की रिसर्च की जाती है. इसके लिए स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट किया जाता है ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके. इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग पीपल वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइक इंजीनियर, लाइक स्किल्ड वर्कर्स, साइंटिस्ट. तो ये सारे क्या करते हैं, प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस के लिए, प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट्स के लिए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं रेगुलर बेसिस पे. उसके बाद सेल्स पीपल एक सबसे अच्छा सोर्स है न्यू प्रोडक्ट आइडिया को क्रिएट करने का, बिकॉज सेल्स पीपल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर. वो कस्टमर से कॉन्टैक्ट में आते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो उन्हें कस्टमर को एनालाइज करना, उनकी नीड और रिक्वायरमेंट को जानना सेल्स पीपल के लिए सबसे ज़्यादा इजी हो जाता है. इसीलिए सेल्स पीपल भी न्यू प्रोडक्ट आइडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं टॉप मैनेजमेंट की. अब टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज़ को टॉप मैनेजमेंट एक्सप्लोर करे. ये सारे वो आइडियाज़ हैं जिसमें कंपनी के जो भी नीड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे टॉप मैनेजमेंट डिसीज़न लेती है, ऑब्जर्व करती है, टेक्निकल ट्रेंड्स को एनालाइज करती है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ को लगातार वॉच आउट करती है, ताकि टॉप मैनेजमेंट एक बेटर प्रोडक्ट सोसाइटी को दे सके. दीज आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया, एक्सटर्नल सोर्सेज हम इसमें डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं जिसमें प्रोडक्ट आइडिया जनरेट किया जाता है, लेकिन आउटसाइड रिसोर्सेज से, आउटसाइड
इन रिसोर्सेज की हेल्प से क्या किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट आइडिया को जनरेट किया जाता है। इसके भी वेरियस सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, रीसेलर्स, फॉरेन मार्केट्स, इन्वेस्टर्स, एनिमेशन फिल्म्स। तो इन सारे इंफॉर्मेशन से, इन सारे सोर्सेज से कंपनी न्यू आइडिया क्रिएट करती है। अगर हम बात करें सेकेंडरी सोर्सेज की, तो सेकेंडरी सोर्सेज में क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंटेड या पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, वो वेरियस एजेंसी की होती है जिसमें डाटा गिवन होता है, तो उसकी हेल्प से क्या करती है कंपनी, न्यू आइडिया जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैगजीन्स, बिजनेस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट सेकेंडरी सोर्सेज। कस्टमर सबसे मेन किंग है मार्केट का। कस्टमर न्यू आइडिया जनरेट में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कस्टमर की सजेशन और कंप्लेंट्स को कंसीडर करके कंपनी न्यू प्रोडक्ट आइडिया जनरेट कर सकती है। कॉम्पिटिटर की क्या पॉलिसीज हैं, कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट में क्या डेवलपमेंट्स की हैं, उसी के बेसिस पे कंपनी भी न्यू प्रोडक्ट आइडिया क्रिएट करती है। मिडल मैन, रीसेलर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल, इम्पॉर्टेंट वाइटल पार्ट क्या है मार्केट का, है मार्केटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि ये क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कस्टमर के साथ, इन्हें पता है मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इनकी सजेशंस को भी न्यू प्रोडक्ट आइडिया में बहुत ज़्यादा कंपनी कंसीडर करती है। इसके साथ साथ फॉरेन मार्केट्स, एनिमेशन फिल्म्स, ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडिया को जनरेट करने के लिए। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का जो सेकेंड स्टेप है, दैट इज़ स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया में हमारे पास जो कलेक्टेड ऑलरेडी आइडियाज़ हैं, जो हमने फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ़ आइडियाज़ कलेक्ट किए थे, उन्हें एक तरह से क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। इट मींस कि जो आइडिया हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट पॉलिसी से, हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहे, जो आइडियाज़ इनकंसिस्टेंट हैं, उन आइडिया को रिड्यूस कर दिया जाता है, उन आइडियाज़ को डिलीट कर दिया जाता है। और जो हमें आइडियाज़, न्यू आइडियाज़ जो हमने क्रिएट किए थे, जो हमें आइडियाज़ लगते हैं कि हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मैच कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट पॉलिसीज के साथ मैच कर रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंसी हमारी प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ है, तो उन आइडियाज़ के बेसिस पे फिर हम फॉलोइंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्टिविटी होती है एक्सपेंडिंग ईच आइडिया इनटू फुल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। कि जो भी हमने आइडियाज़ चूज़ किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ आइडियाज़ थे, उनमें से हमने कुछ आइडिया को रिड्यूस किया, जो रिमेनिंग आइडियाज़ हैं जो हमारे प्रोडक्ट पॉलिसी के साथ मैच कर रहे हैं, हर आइडिया को हम फुल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के साथ मैच करेंगे कि क्या ये आइडिया हमें प्रोडक्ट डेवलप करने में हेल्पफुल होगा। सेकेंड वन इज़, जो भी आइडियाज़ हमने चूज़ किए हैं, उनके रिगार्डिंग फैक्ट और ओपिनियंस को कलेक्ट किया जाएगा कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आइडिया है उसे बिजनेस प्रोपोजिशन में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड द थर्ड वन इज़, हर आइडिया की पोटेंशियल वैल्यू, कंपनी की पोटेंशियल वैल्यू के साथ मैच किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पर्टिकुलर आइडिया चूज़ कर रहे हैं लेकिन कंपनी के रिसोर्सेज के साथ वो आइडिया मैच नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर्टिकुलर आइडिया में नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत है, हमें अमाउंट ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरह के आइडिया की पोटेंशियल, कंपनी की पोटेंशियल वैल्यू के साथ हर आइडिया को मैच किया जाता है कि जो पर्टिकुलर आइडिया है क्या वो कंपनी की पोटेंशियल के साथ, कंपनी की कैपेबिलिटी के साथ मैच कर रहा है या नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ के लिए हमने बेसिकली टू मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, चेकलिस्ट मेथड एंड आइडिया रेटिंग मेथड। इस मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। उसके साथ साथ जो स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया किया जाता है, इसके लिए वेरियस पैरामीटर्स को यूज़ किया जाता है कि मार्केट साइज़ क्या है, कंपनी की टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, पोटेंशियल कंपटीशन कितना है मार्केट में कंपनी। द सेकेंड स्टेप इज स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया। स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया में क्या किया जाता है, जो हमने वेरियस आइडियाज़ कलेक्ट किए होते हैं, उन आइडियाज़ में से हम कुछ आइडियाज़ को डिलीट कर देते हैं जो हमारी फर्म के साथ, हमारी कंपनी के साथ मैच नहीं करते। तो जब स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया किया जाता है, तो कंपनी वेरियस पैरामीटर्स के बेसिस पे आइडियाज़ को स्क्रीन करती है, लाइक मार्केट साइज़, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल कंपटीशन, कैपेबिलिटी विद द नोन कस्टमर्स नीड। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही कंपनी स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज़ को फॉलो करती है।
Thank you. Keep watching. We will discuss the next steps in the part 2, new product development process.